स्वागत है आप सबका हमारे चल पे। गाड़ी मारुति सुजुकी सियाज है SHVS स्मार्ट हाइब्रिड डीजल इंजन, और ये इस गाड़ी की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन ऑन करना है। आप सब देखो सारी मॉर्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। 47,860 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, जितना भी इसका चार्जिंग सिस्टम है वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जब हम गाड़ी को रन करते हैं उस कंडीशन में इसमें वार्निंग लाइट आती है चार्जिंग सिस्टम की। आप सब देखोगे इस जगह इसका इंडिकेशन है बैटरी का, ये सिस्टम इसका चार्जिंग सिस्टम, ये सिस्टम इसका डिफेक्ट हो गया है। आप सब देखोगे जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, वैसे इसमें वार्निंग इंडिकेशन आ जाता है। क्लच पैडल को प्रेस करना है तब आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। आप सब देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हमने एक्सीलेटर पैडल प्रेस किया, आप सब देखो उसमें वार्निंग इंडिकेशन आ गया चार्जिंग सिस्टम का। तो चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। गाड़ी है मारुति सुजुकी सियाज SHVS स्मार्ट हाइब्रिड डीजल इंजन। आप सब देखो वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है चार्जिंग सिस्टम का, जो चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आप सब देखोगे इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। ये आप सब देखो इसका हुड या बोनट ओपन कर लिया गया, और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है जितना इसका चार्जिंग सिस्टम है वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इसका SHVS सिस्टम स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, आप सब देखोगे ये सिस्टम इसका चार्जिंग का वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। वो सिस्टम जो फ्लक्चुएट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, आप सब देखोगे इस जगह इसका सिस्टम है चार्जिंग का, वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को रिमूव करते हो तो इंजन जो है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में। अभी आप सब देखोगे जैसे हम टर्मिनल को रिमूव करेंगे वैसे ही गाड़ी एज इट इज ऑफ हो जाएगी। आप सब देखो जैसे हमने इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल रिमूव किया जो चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अगर चार्जिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता, जैसे हम इसके टर्मिनल्स रिमूव करते हैं उस टाइम पे गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, इंजन ऑफ नहीं होना चाहिए। अभी आप सब देखो कि जैसे हमने इसका बैटरी का नेगेटिव वायर रिमूव किया एज इट इज़ वैसे ही जो इंजन है वो ऑफ हो गया। इस वजह इसका सिस्टम होता है SHVS का, आप सब देखोगे इसका ऑल्टरनेटर सिस्टम, ये सिस्टम डिफेक्ट हो गया, ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्लस्टर मीटर में एक वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है। और जैसे हम नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करते हैं जो इंजन है वो ऑफ हो जाता है, तुरंत इंजन ऑफ हो जाता है। इस जगह इसका सिस्टम है ऑल्टरनेटर का, ये सिस्टम रिप्लेस होगा, आप सब देखोगे इस जगह इसका सिस्टम है ऑल्टरनेटर का। आप सब देखो जो बैटरी को चार्ज करता है जब इंजन स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में वो सिस्टम इसका प्रॉपरली वर्क नहीं करता। आप सब देखोगे सबसे पहले इसके बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं, जो वोल्टेज है 12 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। आप सब देखोगे 12.20 ये आप सब देखोगे जो उसका चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जब इंजन स्टार्ट होता है उस कंडीशन में जो चार्जिंग सिस्टम है वो जब वर्क करेगा तो जो चार्जिंग सिस्टम है 14 वोल्ट से अपर जाएगा, 14 वोल्ट कुछ पॉइंट जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जाएगा। अभी जो सिस्टम है इसका चार्जिंग सिस्टम वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अभी आप सब देखोगे ये कंडीशन है अभी इस गाड़ी में, गाड़ी है मारुति सुजुकी सियाज, और जैसे ही हम इसका नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करते हैं वैसे गाड़ी तुरंत बंद हो जाती है। अभी आप
ये गाड़ी बंद हो गई है। मेन जितना भी इसका चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, वो सिस्टम कंप्लीट चेंज होगा। करते हैं सिस्टम को कंप्लीट रिमूव। ये आप सब देखोगे सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया है, इसका चार्जिंग सिस्टम, इसका अल्टरनेटर, वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया है इसके इंजन से। जो प्रॉब्लम है इसके अल्टरनेटर में जो पार्ट्स है उसका डिफेक्ट हो गया, जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। और जितना भी SHVS सिस्टम होता हाइब्रिड सिस्टम, जैसे भी आप ट्रैफिक पे रुकते हो, स्टॉप होते हो, उस कंडीशन में जितना भी इंजन है वो ऑफ हो जाता है, वो सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। ये आप सब देखो कि सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिया गया और कंप्लीट सिस्टम रिपेयर कर दिए गए। इस जगह इसका कंप्लीट सिस्टम होता है ड्राइव का, आप सब देखोगे ड्राइव पुल्ली है। इस जगह इसके डबल एडजस्टर है जो कंप्लीट बेल्ट को एडजस्ट करके रखते हैं और कंप्लीट सिस्टम रिपेयर कर दिया गया। इस जगह इसका रियर साइड सिस्टम होता है जो कटआउट सिस्टम जिसे कहा जाता है, ये सिस्टम इसका डिफेक्ट हो गया था। आप सब देखोगे कंप्लीट सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया, कंप्लीट सिस्टम रिपेयर हो गया है। आप सब देखोगे नया पार्ट्स कंप्लीट और रिप्लेस किया गया है इस अल्टरनेटर का कटआउट सिस्टम। ज़्यादा चांस होते हैं इसी सिस्टम में डिफेक्ट आता है जितना भी इसका कटआउट सिस्टम होता है। आप सब देखोगे ये पार्ट्स कंप्लीट नया रिप्लेस किया गया है जो मारुति का और रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है। आप सब देखोगे कंप्लीट सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया है। प्रॉब्लम थी इसके कटआउट सिस्टम में थी, जितना भी कटआउट सिस्टम था वो सिस्टम कंप्लीट इसका डिफेक्ट हो गया था। गाड़ी है मारुति सुजुकी सियाज SHVS, जो रियर साइड इसका पार्ट था, इसका कटआउट सिस्टम, इस सिस्टम में कंप्लीट डिफेक्ट आ गया था और कंप्लीट पार्ट्स और रिप्लेस कर दिए गए। आप सब देखोगे रियर साइड जितना भी इसका कटआउट सिस्टम है ये पार्ट्स कंप्लीट और रिप्लेस कर दिया गया। आप सब देखोगे इस तरीके से ज़्यादा चांस होते कटआउट सिस्टम डेड हो जाता है, रूटर डेड हो जाता है, स्टार्टर डेड हो जाता है। ये आप सब देखो वो पार्ट्स अलग से मिल भी जाते हैं, नहीं भी मिलते, कुछ भी केस हो सकता है। इस जगह जितना भी सिस्टम था कटआउट का वो सिस्टम कंप्लीट और रिप्लेस कर दिए गए, नया पार्ट्स कंप्लीट और रिप्लेस किया गया। आप सब देखोगे अभी ज़्यादा चांस होते हैं इसके कटआउट सिस्टम ही डिफेक्ट होता है, स्टार्टर और रूटर भी डिफेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कटआउट सिस्टम डेड हो, रूटर, स्टार्टर या तीनों सिस्टम भी डेड हो सकते हैं कुछ कंडीशन में, जब सिस्टम शॉर्ट हो गया हो उस कंडीशन में सिस्टम कंप्लीट डेड हो जाता है। और जितना भी सिस्टम होता है इसका कटआउट का, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं। आप सब देखोगे जितना भी कटआउट सिस्टम होता है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा डिफेक्ट होता है। आप सब देखोगे इस तरह के जितने भी कनेक्शन होते हैं इसके एक्सटर्नल वायरिंग्स की, आप सब देखोगे ये सिस्टम अलग से रीफिटिंग किया गया है, इसमें कोई फ्यूज़ वगैरह नहीं होते। कहीं से भी सिस्टम शॉर्ट वगैरह होता है, ये आप सब देखोगे कहीं से भी सिस्टम शॉर्ट होता है तो जितना भी सिस्टम है इसका अल्टरनेटर का, ये कटआउट सिस्टम रियर साइड में, वो सिस्टम डिफेक्ट होता है, हो जाता है। जितने भी फिटिंग आप करवाते हो, एम्पलीफायर, एम्प सिस्टम, बूफर सिस्टम और एक्सटर्नल जो भी फिटिंग करवाते हो, लाइटिंग्स वगैरह, जब भी सिस्टम शॉर्ट सर्किट होता है कहीं ना कहीं तो वो सिस्टम डिफेक्ट होगा ही होगा। और जितने भी चांस होते हैं इसके कटआउट सिस्टम डिफेक्ट हो जाता है, वैसे भी सिस्टम डिफेक्ट होते हैं। जितनी भी फिटिंग है टोटली सारी कंप्लीट कर देंगे, अल्टरनेटर को कंप्लीट इंजन ब्लॉक में होल्ड कर दिया जाएगा और जितनी भी फिटिंग है टोटली सारी कंप्लीट करते हैं। गाड़ी है मारुति सुजुकी सियाज SHVS डीजल इंजन। और इस जगह इसका पार्ट था जो आज के वीडियो में हमने और रिप्लेस किया है। ये आप सब देखोगे फिटिंग फाइनली कंप्लीट हो गई, जितना भी चार्जिंग सिस्टम था वो कंप्लीट फिट कर दिया गया है और जितनी भी इसकी ड्राइव बेल्ट थी, आप सब देखो वो सिस्टम कंप्लीट फिट कर दिया गया। अल्टरनेटर बेल्ट सिस्टम कंप्लीट फिट कर दिया गया और बैटरी कंप्लीट टाइट कर दी गई। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं फिर आपको कंडीशन दिखाते हैं। इस गाड़ी में जो पहले प्रॉब्लम थी, जैसे हम बैटरी के टर्मिनल रिमूव करते थे, हटाते थे बैटरी से, जो गाड़ी है तुरंत बंद हो जाती थी, ये कंडीशन थी पहले। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं फिर आपको कंडीशन दिखाते हैं। सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी सियाज। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, इसमें वार्निंग इंडिकेशन आना था चार्जिंग सिस्टम का इसके क्लस्टर मीटर में, और चार्जिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, स्टेरिंग हार्ड हो गया था, एसी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, जितने भी लाइटें वगैरह है सारी डिम होना स्टार्ट हो गया था। ये इस गाड़ी की इग्निशन की है, इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन ऑन करना है। आप सब देखो सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। 47,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक
चल चुकी है। इस गाड़ी में जो पहले प्रॉब्लम थी, इसमें चार्जिंग सिस्टम का एक वार्निंग इंडिकेशन आता था। ये सिस्टम जिसपे बैटरी सिंबल बना हुआ है, आप सब देखोगे, ये वार्निंग इंडिकेशन आता था इसके क्लस्टर मीटर में जब हम इंजन को स्टार्ट करते थे। वो प्रॉब्लम इसकी बिल्कुल सॉल्व हो गई है, कंप्लीट इसका सिस्टम रिप्लेस किया गया है, इसका चार्जिंग सिस्टम। उस सिस्टम में डिफेक्ट था इसका जितना भी पार्ट था, रियर साइड कटआउट सिस्टम होता है, वो पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया गया है। इंजन को स्टार्ट करते हैं, आपको कंडीशन दिखाते हैं। क्लच पैडल को प्रेस करना है, इंजन को स्टार्ट करना है। इंजन स्टार्ट हो गया, कोई वार्निंग इंडिकेशन नहीं आ रहा इसके क्लस्टर मीटर में, अभी आप सब देखोगे। एसी सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, पहले एसी सिस्टम वर्क नहीं करता था, ये कंडीशन थी, स्टीयरिंग सिस्टम बिल्कुल हार्ड हो गया था, अब वो सिस्टम बिल्कुल फ्री हो गया है। जितना भी सिस्टम था इसका चार्जिंग सिस्टम, वो काम नहीं कर रहा था प्रॉपर तरीके से। जितना भी बैटरी के अंदर स्टोर करंट था उसी के थ्रू सेंसर वर्क कर रहे थे। जितना भी स्टीयरिंग सिस्टम था, एसी सिस्टम था, ये बिल्कुल बंद हो गए थे, काम ही नहीं कर रहे थे, ये कंडीशन थी। अब वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अब कोई इसमें वार्निंग इंडिकेशन नहीं आ रहा। पहले हम जैसे ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स रिमूव करते थे, इंजन है तुरंत बंद हो जाता था, ये कंडीशन थी। मल्टीमीटर से हमने सप्लाई को चेक किया, वोल्टेज को चेक किया, 12 वोल्ट डीसी बैटरी में स्टोर हमेशा रहता है, इसमें 11 पॉइंट कुछ डीसी वोल्टेज आ रहा था। मीन जितना भी सिस्टम था उसका वो वर्क नहीं कर रहा था, बैटरी के थ्रू हर सेंसर को सप्लाई की जा रही थी, अगर बैटरी डाउन हो जाती तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती, ये कंडीशन हो जाती। अभी आप सब देखोगे जो प्रॉब्लम थी इसका अल्टरनेटर सिस्टम में थी, वो प्रॉब्लम बिल्कुल इसकी सॉल्व हो गई है। पीछे के जो पार्ट्स होते हैं अल्टरनेटर के, वो मारुति के रिप्लेसमेंट पार्ट्स होते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो भी जाते हैं, और चांस होता है एक हफ्ता दो हफ्ता भी लग सकता है उस पार्ट्स को आने में, क्योंकि जितने भी इनके आइटम्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो या तो हरियाणा से आएंगे या तो आउट ऑफ दिल्ली से आएंगे या इंडिया से बाहर से आएंगे, सारे पार्ट्स इम्पोर्ट होके आते हैं। एक बार कंडीशन दिखाते हैं बैटरी के टर्मिनल्स को रिमूव करके। एसी ऑफ करना है, ये आप सब देखो इंजन अभी स्टार्ट है। एक बार सबसे पहले इसकी सप्लाई को चेक करते हैं, फिर इसके टर्मिनल्स रिमूव करके फिर इसकी कंडीशन दिखाते हैं। ये आप सब देखो इस टर्मिनल को कंप्लीट टच करना है इसके पॉजिटिव में, रेड वाले को, और ब्लैक वाले को इसके नेगेटिव। अभी आप सब देखोगे सप्लाई। पहले इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, जितना भी इसका चार्जिंग सिस्टम था वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता था, अब वो सिस्टम कंप्लीट और रिपेयर कर दिया गया है। जितना भी पार्ट था डिफेक्टिव पार्ट, वो पार्ट रिप्लेस कर दिया गया। आपको सेलेक्ट करना है वोल्टेज 20 वोल्ट डीसी। आप सब देखो चार्जिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पहले जो चार्जिंग सिस्टम था 11 पॉइंट कुछ रीडिंग आ रही थी, जितना भी उसका बैटरी में पावर थी उसके थ्रू इंजन स्टार्ट होता था, उसी सिस्टम के थ्रू बैटरी की सप्लाई के थ्रू जितने भी सेंसर थे वो वर्क कर रहे थे। अभी आप सब देखोगे जो चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, 13.72 इस तरह की रीडिंग आ रही है अभी, क्योंकि जो बैटरी है बिल्कुल डिस्चार्ज है। जैसे जैसे चार्ज होते जाएगी जो करंट है, वोल्टेज है, वो 14 पॉइंट कुछ जाएगा समथिंग। और बाकी जितना भी सिस्टम है इसका चार्जिंग का, वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो गाड़ी है मारुति सुजुकी सियाज। अभी आप सब सप्लाई देते हैं, तो पहले जैसे हम बैटरी के टर्मिनल्स रिमूव करते वैसे गाड़ी जो है तुरंत बंद हो जाती थी। अभी आप सब कंडीशन देखोगे जो गाड़ी है अब बैटरी के टर्मिनल्स रिमूव करने के बाद बंद नहीं होगी। आप सब देखो बैटरी के टर्मिनल्स कंप्लीट रिमूव कर दिया गया, इसका नेगेटिव टर्मिनल। इंजन जो है वो ऑफ नहीं हुआ, मीन जितना भी इसका चार्जिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर बैटरी के टर्मिनल्स रिमूव करते हो नेगेटिव, उस कंडीशन में अगर इंजन ऑफ हो जाता है, मीन्स इसका चार्जिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, एक वार्निंग इंडिकेशन आएगा चार्जिंग सिस्टम का गाड़ी के अंदर क्लस्टर मीटर में। अभी वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अभी आप सब कंडीशन देख सकते हो।
पहले और अब में कितना फ़र्क है। पहले इसका सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता था, अब वो सिस्टम इसका वर्क करना स्टार्ट हो गया। ये थी मारुति सुजुकी सियाज, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस जगह इसका पार्ट था, जो पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया गया है। इसका चार्जिंग सिस्टम जो डिफेक्टिव पार्ट था वो पार्ट कंप्लीट रिप्लेस किया गया। SHVS SHVS stands for Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. The SHVS is equipped with an integrated starter generator, ISG, whose motor function improves fuel efficiency by supplementing the engine's power. The ISG is combined with a highly fuel-efficient, high-torque, common rail-type diesel engine called the DDIS-200, achieving still greater fuel efficiency gains. The ISG takes the place of a conventional alternator. In addition to generating electricity, the ISG functions as a motor for engine restart and engine assist during acceleration. Capable of high generation output, the ISG is capable of energy regeneration by using energy from deceleration. The regenerated electricity is used to restart the engine after engine auto stop and start, and to assist the engine during fuel-consuming acceleration, boosting fuel efficiency. The engine auto stop and start system automatically stops the engine to prevent unnecessary fuel consumption when the vehicle is stopped. The ISG's motor function is used to restart the engine. Its belt drive makes restart quiet and smooth. A high capacity battery is installed to store the large amount of electricity required for engine assist. Deceleration energy is used to generate electricity. Stored electricity drives the motor, assisting the engine during acceleration, reducing fuel consumption through efficient energy management. SHVS, the new smart hybrid technology. Make way for the future with SHVS, SHVS Smart Hybrid Vehicle by Suzuki.